किया गया है? ये जो आपको जानकारी होगी 28 तारीख की रात्रि में जो घटना घटी थी उसकी रिपोर्ट बच्ची के द्वारा 29 तारीख को की गई थी। उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी जो था विनोद पांडे, जिसके द्वारा लड़की को बच्ची को फ़ोन करके बुलाया गया और उसके बाद फिर उस अपने साथियों के साथ मिलकर उसको बाबा के साथ कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके बाद बाबा के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। उसकी रिपोर्ट पर से 4 लोग ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था प्रथम दृष्टिया और उसके बाद फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें दोनों को आज जेल भेजा गया है। इसमें से विनोद पांडे पहले गिरफ्तार था, वो जेल चला गया और दूसरा जो आरोपी था हमारा सीताराम, उसको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है वैधानिक तरीके से की जाएगी। सर, पुलिस आरोपियों को पैदल निकाला गया है तक के लिए? ये वहाँ कुछ गाड़ी की दिक्कत हो रही थी, पहले वो लोग गाड़ी से आने वाले थे, बाद में पता लगा कि गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई, वो गाड़ी कहीं और दूसरी जगह चली गई, इसके कारण से सिविल लाइन से उनको लाया गया। कोर्ट फेस करने के दौरान कई सारे वकील भी बहुत ही नज़दीक है, सिविल लाइन थाना कोर्ट बहुत डिस्टेंस तो नहीं, ला दिया गया। कोर्ट फेस करने के दौरान आरोपी को वकीलों ने दौड़ाया भी था? नहीं, आरोपी को क्या है कि थोड़ा सा निश्चित रूप से जिस तरह का देख के उसने चोला पहन रखा था और उसके बाद उसने जो घटना की, इससे समाज के लोगों में, वकीलों में, जनता में थोड़ा सा आक्रोश तो था ही कि बाबा ने इस तरह का रूप धारण करके एक बच्ची के साथ में ऐसी घटना की, उस कारण से थोड़ा आक्रोश था। लोगों को समझा दिया गया, वकील सब पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझा दिया गया, लेकिन थोड़ा मन में जो आक्रोश था इस कारण से थोड़ा सा पुलिस को जल्दी से आरोपी को शिफ्ट करना पड़ा, आरोपी को सुरक्षित जेल पुलिस थाना के तरफ शिफ्ट कर दिया। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की गई? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी आरोपी हैं, जितने भी आरोपी हों जिन्होंने इस तरह का कुछ कृत्य कर रखा है, जो क्राइम चाहे महिला अपराध से संबंधित हो या समाज को बिगाड़ने वाला और कोई क्राइम हो, ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है कि बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्होंने अगर ऐसी संपत्ति बनाई अपराध से तो उसको नष्ट नाबूद किया जाए, उसी तरह क्रम में ये कार्रवाइयाँ जिले में। सर, ऐसे आरोपी के ऊपर आपने हेलमेट पहना के और वर्दी पहना के भेजा, इसमें क्या कारण था? नहीं, हेलमेट और वर्दी का इशू नहीं है, जिस तरह से आप लोग देख रहे थे कि वहाँ कुछ लोग ऐसा था और इस तरह का माहौल बन रहा था, तो पुलिस की निश्चित रूप से ड्यूटी बनती है कि जो उसके अभिरक्षा में व्यक्ति है, आरोपी हो या कोई और व्यक्ति हो, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए उसको सुरक्षार्थ इस तरह से लाया गया। सर, बाबा ने पूछताछ में कुछ सवाल की बात की है? बहुत सारी चीज़ें उसने बताई जो अभी आप लोगों के सामने खुलासा नहीं किया जा सकता, अभी वो सब लिखा पड़ी में है, तस्दीक करने के बाद आगे। कितने आरोपी बने हैं? कितने आरोपी? जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ लोगों को और नाम आ रहे हैं, अभी नामों को खुलासा कर देंगे। बाबा से पूछताछ इस बारे में की जा रही है कि किस किस द्वारा उसके साथ में सहयोग किया गया और कौन कौन व्यक्ति उसके साथ थे। रिमांड में लिया गया कि भेज दिया गया? पुलिस रिमांड में लिया गया। कितने दिन के रिमांड में? सर, 2 दिन के रिमांड। ठीक है।